साइबर सिटी में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कल से लापता हुई मासूम बच्ची का शव नग्न हालात व रक्तरंजित अवस्था में गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 66 के सुनसान पड़े कमरे से बरामद किया। शव पर चोट के कई निशान के साथ साथ शरीर पर एक भी कपड़ा न होना किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाने की ओर इशारा जरूर कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्ची कहाँ रहती थी और क्या हुआ? सेक्टर ये 41 में, ये 49 में रहता था, ये सेक्टर 49 में। वहाँ से कल रात को सुबह 11 बजे ये हो गया था, मतलब गुम हो गया था। तो इसके बाद हमें पता चला, हम सेक्टर 65 में थे, यहाँ पे हमें फ़ोन आया कि ऐसे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो हम गया, उसके बाद जाने के बाद देखा बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर रात में भी हम गया, रात में जाने के बाद झुग्गी में रहता था, फिर हमें पता चला था ऐसे बात है, ये इसके कोई बच्चा लेके गया। तो लड़का लेके गया, 20 साल का उम्र है, जो बच्चा है वो 5 साल का है। फिर इसके बाद इसके ये जो आया, आने के बाद फिर आज सुबह हम सुबह ही निकल गया, 6 बजे वहाँ गया, वहाँ पुलिस वाला भी गया। पुलिस वाले जाके इसको हम बताया, पुलिस वाले जाके इसको ये इसके ये बहन को और इसकी मम्मी को उठा के लाया। उठा के लाने के बाद फिर हम थाने में गया, थाने में हमें बोला है अभी है जो ऐसा से बात है, जो अभी बच्चे तुम्हारा मिल गया। मिलने के बाद फिर हमें पुलिस में गया, फिर हम ये झुग्गी पे आया। झुग्गी पे आने के बाद फिर हमें बोला ये ऐसे से बात है, तुम्हारा भाई बच्चा मिल गया, तुम पोस्टमार्टम में ले गया। तो अभी हम लोग आया है जी, सब मिल गया। ये 10 बजे पता चला, 10 बजे पता लगा, 10 बजे बच्ची की मौत हो चुकी। हाँ जी, 10 बजे पता चला। आरोपी का अभी कोई पहचान नहीं हुई है? अभी कोई पहचान नहीं आया।